नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। हर घर और हर समाज और हर देश अपने बच्चों और युवाओं के लिए बड़ा चिंतित रहता है, हमेशा ये सोचता रहता है कि किस तरह से उनका भविष्य बेहतर हो और वो स्वस्थ रहें। अगर हम बात करें आज की दुनिया की, तो आज की दुनिया में जन स्वास्थ्य के लिए और ख़ासतौर पर बच्चों और किशोरों के लिए नशा एक बहुत बड़ी समस्या है, और उसमें भी अगर हम बात करें तो ड्रग्स यानी मादक द्रव्यों की बहुत ज़रूरत है ये समझने की कि दरअसल कितना दुष्प्रभाव हो सकता है ड्रग एडिक्शन का। ड्रग एडिक्शन स्थिति क्या है ये जानने की बात है, और ये भी समझना होगा कि कितना खतरनाक हो सकता है किसी भी व्यक्ति को ड्रग्स का एडिक्शन। क्योंकि कल यानी 26 जून को हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़। साथ ही साथ अगर हम इस बार के इस दिवस के अगर थीम की बात करते हैं, क्योंकि 1987 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने तय किया कि दुनिया भर में अगर ड्रग्स की बात की जाए यानी मादक द्रव्यों की बात की जाए तो उसके खिलाफ जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाना बेहद ज़रूरी है। और कल यानी 26 जून को जब ये दिवस मनाया जाएगा तो इस बार जो थीम इसका रखा गया है, विशेष तौर पर बच्चों और किशोरों को ध्यान में रखते हुए, उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरत है उनको सुनने की, उनको समझने की और उनसे बात करने की, क्योंकि वो देश का भविष्य है। और अगर हम बात करें इसको शायरी की तरह से, तो अब्दुल हमीद अदम बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने एक शेर कहा है जिससे पूरी बात समझ में आ जाती है। वो ये कहते हैं कि सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। अगर बात करें ड्रग एब्यूज़ की, तो बहुत बड़ा खतरा है हमारे युवाओं के लिए, क्योंकि अक्सर विशेषज्ञ ये बताते हैं कि इसकी जो शुरुआत होती है वो कम उम्र या किशोर अवस्था से ही हो जाती है। क्या कारण होते हैं उसके पीछे, ये समझना ज़रूरी है। साथ ही ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर क्यों कोई भी युवा या किशोर जाता है ड्रग एडिक्शन की तरफ, क्या इसके दुष्प्रभाव होते हैं उसके स्वास्थ्य पर और उसके व्यक्तित्व पर। यहाँ तक कि ये कहा जाए कि जो भी व्यक्ति ड्रग एडिक्शन की ओर जाता है उसका पूरा परिवार भी इससे प्रभावित होता है। तो क्यों ना ये समझें कि खतरा कितना गंभीर है और कैसे इस खतरे से बचा जा सकता है। नशा बुरी लत है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई लोग नशे का शिकार हो जाते हैं। गलत संगत, मौज मस्ती या किसी तनाव को दूर करने के लिए शुरू किया गया नशा धीरे धीरे व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। नशा या ड्रग्स लेने पर व्यक्ति के मस्तिष्क के रिवॉर्ड पाथवे में डोपामिन बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाता है, जिससे व्यक्ति कुछ समय के लिए बेहतर महसूस करता है और इसकी वजह से वो बार बार नशा करना चाहता है। व्यक्ति को बार बार नशे की जरूरत महसूस होती है, या फिर ये कहें कि नशा जिंदगी की जरूरत बन जाता है। धीरे धीरे नशे की मात्रा बढ़ने लगती है और व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति बिगड़ने लगती है। व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है लेकिन तब नशा उसे नहीं छोड़ता। ऐसे में नशा न करने पर व्यक्ति को कई समस्याएं होने लगती हैं और उसे नशा करने की तीव्र इच्छा होती है। शराब, तंबाकू या ड्रग्स, नशा किसी भी प्रकार का हो या किसी भी तरह से क्यों ना लिया जाए, गोली, पाउडर या इंजेक्शन, हर रूप में इसके कई दुष्प्रभाव हैं व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, उसकी मानसिक स्थिति पर और उसके जीवन पर। नशा करने से रक्तचाप का अनियंत्रित होना, हृदय रोग और कई गंभीर बीमारियों की संभावना बढ़ती है। वहीं इंजेक्शन से नशा लेने वाले व्यक्ति में HIV, एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसे गंभीर रोग होने का खतरा रहता है। नशा करने वाले व्यक्ति में कार्य क्षमता कम होने लगती है, साथ ही काम में मन न लगना, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा आना, यहाँ तक कि परिवार और मित्रों से दूरी जैसे लक्षण भी देखे जाते हैं। मौज मस्ती के रूप में शुरू किया गया नशा व्यक्ति को उसकी जिंदगी से दूर कर देता है। अपनी जिंदगी के करीब रहने के लिए नशे से दूर रहें। नशा छोड़ना और नशे के चक्रव्यूह को तोड़ना
नामुमकिन नहीं है। जरूरत है तो बस कोशिश करने की। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। फरहत शहजाद कहते हैं कि इतनी पी जाए कि मिट जाए मैं और तू की तमीज, यानी ये होश की दीवार गिरा दी जाए। दुनिया भर में अगर हम ड्रग्स के कारोबार की बात करते हैं तो ये अरबों का है और ये अवैध रूप से चलता रहता है। इसमें कितना नुकसान हो रहा है मानव का, इसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। और ख़ास तौर से अगर हम युवाओं की बात करें, किशोरों की बात करें, बच्चों की बात करें, एक बार नशे की लत लगने के बाद ये दीमक की तरह न सिर्फ उनके शरीर को बल्कि उनके भविष्य को भी चाट जाता है। ये खतरा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हमारे आसपास होता है अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। और अगर कोई नशा करने लगे तो लोग उस व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। लेकिन क्या हम कुछ नहीं कर सकते? क्या नशे के खतरे के बारे में हम जागरूक हैं? क्या मादक द्रव्यों से बचा जा सकता है? बहुत विस्तार से आज विशेषज्ञों से यही समझते हैं। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है, तो आइए उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल गुर्तू, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आलोक अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एंड डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, एडोलेसेंट हेल्थ एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ फ्रॉम मूलचंद हॉस्पिटल। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। खास तौर पर जब नशे की बात आती है या ड्रग एडिक्शन की बात आती है तो न सिर्फ उस व्यक्ति के लिए जिसे इसकी लत लग गई है ये गंभीर खतरा है, बल्कि परिवार के लिए या फिर ये कहें कि हमारे पूरे समाज के लिए भी खतरा है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इसके विषय में जागरूक होने की आवश्यकता है और जानकारी लेने की आवश्यकता है। चर्चा की शुरुआत करें क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सबसे बड़ी चीज़ यही कि हमारे आसपास और दुनिया भर में हम ये जानते हैं कि बहुत से चर्चित व्यक्तियों ने अपना पूरा जीवन गंवा दिया है इन ड्रग्स यानी मादक द्रव्यों की वजह से। तो डॉक्टर गुर्तू, आपसे हम चर्चा की शुरुआत करें और ये समझने की कोशिश करें, दरअसल ड्रग्स हम समझना चाहें तो ये ड्रग्स है क्या, ये क्या पदार्थ हैं? ये ड्रग्स वो पदार्थ हैं, ड्रग्स तो सभी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं इलाज के लिए भी, लेकिन उनसे हटकर जिन ड्रग्स की आज हम चर्चा करेंगे उनमें दो या तीन खास फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। इसके तीन जो फीचर्स हैं कि ये जब ड्रग्स हैं, दवाएं हैं, जब हम शुरू करते हैं तो शुरुआत के बाद तीन चीज़ें हो जाती हैं बॉडी में, हमारे शरीर में। पहली चीज़, ये एक क्रेविंग उत्पन्न करती है हमारे सोचने और समझने के तरीकों में जी। क्रेविंग यानी कि एक एहसास होता है कि हमें चाहिए और अभी चाहिए और चाहिए, और क्रेविंग के साथ साथ टॉलरेंस यानी जो असर एक गोली से आता था वो असर के लिए दो गोली चाहिए होती है, जो दो गोली से असर आता था उसके बाद उसका असर आने के लिए तीन गोली बढ़ानी पड़ती है। तो ये बढ़ोतरी जो होती रहती है डोज में वही असर लाने के लिए, इसको कहते हैं टॉलरेंस। सो क्रेविंग जो एक अंदर से आता है, जुनून की लेनी है और अभी लेनी है, और हर कोशिश, हर पूरी ज़िंदगी उस वक्त उसी चीज़ पर केंद्रित हो जाती है कि किसी तरह लेनी ही है अभी अभी, वो क्रेविंग, टॉलरेंस। और तीसरा, जब ये दवाई नहीं मिलती है किसी भी वजह से या कम हो गई डोज, तो नेगेटिव इम्पैक्ट, एक घबराहट, बेचैनी, ब्लड प्रेशर पे और तमाम शारीरिक सिस्टम्स की खराबी और एक हड़बड़ाहट, और वही क्रेविंग से जुड़ जाती है, और उस वक्त पूरी जान लगा के कुछ भी करके वो दवाई हासिल करने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं जी। तो ये तीन क्वालिटीज़ जो हैं, क्रेविंग, टॉलरेंस और विथड्रॉल, दवाई नहीं मिलने पर नेगेटिव सिम्टम्स का एहसास जी, ये तीन जुड़कर एक ड्रग को खराब या नशीली दवाई
डिफाइन करती है। और क्या दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर होते हैं उस पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर नागपाल, ये जो बात आ रही है कि दुष्प्रभाव हैं कुछ ऐसी दवाइयाँ जिनकी शुरुआत अक्सर ये कहा जाता है कि कम उम्र से दोस्तों के साथ बैठे हैं तो शायद उस पीयर ग्रुप में सभी लोग ले रहे हैं या कुछ लोग ले रहे हैं वहाँ से होती है, आपको अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात की जाए कितनी गंभीर और अहम समस्या ये लगती है कि कम उम्र है, शायद ये सोचने की या समझने की क्षमता उस समय नहीं होगी कि आगे चलकर इतना हानिकारक प्रभाव होगा या स्वास्थ्य के लिए इतना हानिकारक हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप, गंभीरता के स्तर पर समस्या कितनी बड़ी है? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ और जो आंकड़े बताते हैं, रिसर्च बताती है, हमारे देश की हो या विश्व भर की हो, ये सिर्फ एक समस्या नहीं है। मादक पदार्थ हो, व्यसन हो, ये एक दुर्घटना है, एक डिजास्टर है जो दुनिया फेस कर रही है और शायद कल भी इसका प्रचार होने वाला है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सिर्फ किशोर अवस्था की बात उठी है अभी चर्चा में, किशोर अवस्था ही हमारे देश में करीब 25% हैं, यानी कि 10 से 19 साल के नागरिक बच्चे भी हैं लेकिन सुना है कि बहुत जल्दी बड़े हो गए हैं। और कहा जाता है कि ये करीब 30 करोड़ की आबादी है, 30 करोड़ की आबादी दुनिया के सबसे ज़्यादा किशोर हैं हिंदुस्तान में। अगर इसमें जो हमारे आंकड़े बताते हैं, आज चर्चा में विस्तार से बात होने वाली है, ये करीब अगर समझ लीजिए 10% भी बच्चे जो हैं कोई ना कोई नशीली पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2.5 से 3 करोड़ तो यही हो गए। और 2.5 से 3 करोड़ तो कई देशों की किशोरों की नहीं, बच्चों की, युवा वर्ग की आबादी है जी। और ये नशीली पदार्थ का इस्तेमाल, जिज्ञासा हो, एक्सपेरिमेंट करने का जो एक तलब है, आज़ादी, लिबर्टी, फ्रीडम को एहसास देने का, एक आसमान छूने का, जो किशोर अवस्था में एक चाम और चैलेंज बोलते हैं हम कि भाई अब बड़ा हो गया हूँ मैं, अब मुझे परिवार से हट के दोस्तों की बात सुननी है, और जो मज़ा है, जो प्लेजर आता है दोस्तों की दुनिया में, यारों की दुनिया में, अभी शेर शायरी में भी ये चर्चा आई थी जी, उसका उल्लास लेते हुए जब केमिकल्स आ जाएं साथ में, जैसे डोपामिन है, फिर शायद वो जिद भी आ जाती है कि अब जो हम कर रहे हैं वही सही है। और तब तक एहसास नहीं होता जब तक वो जिंदगी की दुर्घटना ना बन जाए जी। तो हम ये देख रहे हैं कि 10, 12, 13 साल की उम्र में, जिसको पहले प्यूबर्टी भी कहते थे और अब भी कहते हैं, ये पदार्थों का इस्तेमाल गैर कानूनी ड्रग्स का भी, केवल गेटवे ड्रग्स नहीं, यानी कि शराब या तंबाकू, बट कैनबिस है, चरस है, गांजा है, उसका इस्तेमाल हो रहा है और ये बहुत बड़ी देश के लिए दुर्घटना है। किशोरों और इनकी जो बात है, क्योंकि इस बार का थीम भी वही है, डॉक्टर आलोक, ये जो बात अभी आ गई, अब जिस बात को डॉक्टर गुड्डू ने शुरू में रखा कि क्रेविंग होना और ये तमाम चीज़ें, बहुत से लोग ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि ड्रग्स को लेकर, ड्रग्स अमूमन लोग ये भी समझते हैं कि ड्रग्स तो दवाइयाँ, आमतौर पर उन्हें भी ड्रग्स ही कहते हैं, तो जब बात नशीले पदार्थों की आती है, मादक द्रव्यों की जब बात आती है, तो फिर बात भांग, गांजा, अफीम, चरस, हेरोइन, ये तमाम चीज़ें आएंगी, लेकिन क्रेविंग और तमाम वो विड्रॉल सिम्टम्स, ये तो चाय, कॉफ़ी, तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले, और फिर अगर अल्कोहल की भी अगर बात करें तो तमाम चीज़ें, वो किस तरह से इन चीज़ों से अलग हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आमतौर पे हमारे समाज में ड्रग्स, बहुत सारी चीज़ों को कहा जाता है, दवाइयों को भी ड्रग्स कहा जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं ड्रग्स जिनका कि एडिक्शन संभव है, तो हम बात उन पदार्थों की कर रहे हैं जो कि दिमाग के एक खास हिस्से, एक सर्किट पे असर करके एक ऐसी ऐसा एहसास पैदा करती हैं जो आमतौर पर सामान्य जीवन में महसूस नहीं होता, जिसको हम यूफोरिया कहते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके के पदार्थ हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनका कि कुछ विशेष प्रकार की बीमारियों के इलाज में भी प्रयोग होता है जी। तो कुछ ऐसी भी ड्रग्स हैं, साइकोएक्टिव ड्रग्स या मादक पदार्थ हैं जो कि असल में दवाइयां हैं, लेकिन कुछ लोग इनका इस्तेमाल उनके जो मादक असर है, जो यूफोरिया है, उसके लिए करते हैं। जहाँ तक फ़र्क की बात है, तो जितने भी मादक पदार्थ हैं उनमें जो एक बात कॉमन है वो ये है कि जब भी कभी इन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है तो वो अपने ही इस्तेमाल की आशंका को बढ़ाते हैं। यदि आप एक बार इस्तेमाल करेंगे आपको अच्छा महसूस होगा, और उस अच्छा महसूस होने की वजह से आपके फिर से उस द्रव्य के इस्तेमाल करने की आशंका बढ़ती है, और इसी तरह से व्यक्ति को इस्तेमाल से एडिक्शन की स्टेज तक ये पदार्थ लेके जाते हैं जी। और कुछ और जानेंगे आप लोगों से ज़रूर, उससे पहले हमारे साथ चमन लाल जी हैं हरियाणा से फ़ोन लाइन पर।
चमनलाल जी स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि मैं पिछले 25 सालों से लगातार सिगरेट और सिगरेट कंज्यूम कर रहा हूँ जी, और मेरी एज जो है 49 ईयर है। सिगरेट एक तो मैं सिगरेट चार साल से छोड़ रहा हूँ, दूसरा मेरा प्रश्न ये है मैं रात सोते सोने के बाद अपनी सिगरेट कंज्यूम कर लेता हूँ, जिस पर मैं ज्यादा तो मैं कोई हरकत कर देता हूँ जिसका सुबह मेरे को मेमोरी में नहीं होता जी, मेंटल हेल्थ को कितना प्रभावित करता है। जी डॉक्टर आलोक, इनका सवाल है कि काफ़ी सालों से ये अल्कोहल और सिगरेट का प्रयोग कर रहे हैं, और उसी जो यूफोरिया आपने कहा था या जो नशा है उसका, कुछ ऐसी चीज़ें इनसे हो जाती हैं जो इन्हें याद भी नहीं रहती, क्या करना चाहिए इन्हें? जहाँ तक शराब के सेवन की बात है या सिगरेट के सेवन की बात है, जैसे दूसरे मादक पदार्थ हैं वैसे ही ये पदार्थ भी हमारे मस्तिष्क के कुछ खास गतिविधियों पे असर डालते हैं, जैसे हमारे सोचने समझने की क्षमता, हमारा विचार करने की क्षमता, हमारा मनोदशा या मूड इस तरह, और हमारा व्यवहार। तो जितने भी मादक पदार्थ हैं वो इन सारे गतिविधियों पे असर डालते हैं। आपके साथ भी शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है कि जब आप शराब का सेवन करते हैं तो आपकी कुछ गतिविधियाँ, आपका जो मूड है, आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है, उस पे असर पड़ता है, और इसलिए शायद आप ऐसी कुछ चीज़ें कर जाते हैं जो शायद आप शराब के असर में अगर नहीं हो तो नहीं करेंगे। एक और जो समस्या शराब के सेवन के साथ खासतौर पर जुड़ी हुई है वो ये है कि जब लंबे समय तक कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है और ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करने लगता है, तो कई बार ऐसा होता है कि शराब के असर के दौरान जो जो चीज़ें वो करता है वो शराब का असर चले जाने पे वो भूल जाता है। इसको वैज्ञानिक जुबान में इसको ब्लैकआउट के नाम से जाना जाता है। इनके साथ भी शायद कुछ ऐसा ही शायद हो रहा कुछ है। इसी प्रकार का हो रहा है। ये इस बात का सूचक हो सकता है कि शायद, क्योंकि इस चीज़ की डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें बहुत अधिक दूसरी जानकारी की भी आवश्यकता होगी, पर ऐसा संभव है कि शायद ये अब शराब की लत की तरफ जा रहे हैं और इनको इस प्रकार इसके लिए सहायता लेनी चाहिए। जी, और लत को छोड़ने के लिए हम आपसे ज़रूर जानेंगे कि कोई भी लत है अगर ड्रग्स की है या अल्कोहल की है उसके लिए क्या करना चाहिए। डॉक्टर गुट्टू, अब ये जो बात है, आज चूंकि हमारा विषय जो है वो मादक द्रव्यों के आसपास ही है, हालांकि थीम में इलिसिट ट्रैफिकिंग भी है तो हम उसकी तो बात नहीं कर रहे, उसके अवैध कारोबार की, लेकिन मादक द्रव्यों से किस तरह मुक्त हो जाएं, नशा मुक्ति की ओर हम बढ़ें। अब जो बात आती है कि इनमें ऐसी क्या चीज़ है, अगर हम भांग की बात करते हैं, गांजा और भांग तो हमारे समाज में आम तौर पर वर्षों से सदियों से प्रचलित है, भांग को लेकर वो बात नहीं, लेकिन वो इन ड्रग्स में आती है, और इसी तरह से ज़्यादातर ये सब प्लांट डराइव्ड हैं ज़्यादातर। ज़रा बताइए इनमें फ़र्क क्या है, इन सब में भांग, फिर अफीम है, चरस है, बाकी चीज़ें हैं जी। फ़र्क समझने के लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि इनमें समानताएं क्या हैं जी। जो इन सारी अल्कोहल सिगरेट जो अभी हमने सुना से लेकर गांजा, चरस और अफीम वगैरह वगैरह, जितने भी एडिक्टिव पोटेंशियल वाले ड्रग्स हैं, इनमें जो समानता है वो ये है कि ये सब लेने के बाद एक मानसिक तौर पे, मानसिक स्तर पे एक बहुत खुशी का एहसास महसूस करते हैं हम इसको उतनी देर के लिए जब तक वो नशा रहेगा। यूफोरिया, अभी जैसे डॉक्टर आलोक अग्रवाल ने उसका वर्ड यूफोरिया को, डॉक्टर आलोक थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं हम विशेषज्ञों से, आप दोनों से कहें, डॉक्टर नागपाल, यूफोरिया किस तरह से एक्सप्लेन करें, यूफोरिया क्या, कोई क्या समझे यूफोरिया क्या है, क्या मतलब क्रिकेट मैच देखते हुए जब पूरा स्टेडियम जब नाच रहा होता है क्या वो यूफोरिया कहा जाएगा, क्या है यूफोरिया? अगर संधि समझें तो फोरिया मूड होता है और यू उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो हैप्पीनेस भी कहते हैं, जैसे यूडोमोनिया एक फिलोसफी में वर्ड है। यूफोरिया अक्सर केमिकल बेस पे जब होता है, जो अभी चर्चा हो रही है, कुछ हमारे मस्तिष्क में केमिकल्स हैं, डोपामिन है, कुछ हद तक सेरोटोनिन भी है, और भी कई केमिकल्स हैं जो कुछ क्षणों के लिए केवल, जब तक ये केमिकल हमारे रंगों में चल रहा है, इसलिए इसको एडिक्शन कहते हैं, क्योंकि तब तक ही उसका असर रहता है, और उस परिस्थिति में वापस कई बार जाने की इच्छा, जिज्ञासा जो होती है दोबारा क्रेविंग पैदा करती है, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया। ठीक है, डॉक्टर गुरुटू पे वापस लौटते हैं, जो आप अपनी बात पूरी करें। सो समानता तो इनकी एक ही है कि ये सब यूफोरिया हमारे अंदर उत्पन्न इंड्यूस करती हैं, नशीला जो पोटेंशियल है, नशे का जो पोटेंशियल है यहीं से
उभरता है जी, नहीं मिलेगी लेने जाएंगे, कुछ भी हो लेके रहेंगे, सारी जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी लेकिन लेके रहेंगे जी। अब समानता तो ये सब में एक ही है और यहीं पर हमारे इलाज केंद्रित हैं, सारे मिल जाते हैं आके, लेकिन जो विभिन्नताएं हैं, जो डिफरेंसेस हैं इनमें, वो रहते हैं हमारे स्पेशल कुछ कुछ दवाइयां, ड्रग्स अलग अलग बॉडी के सिस्टम्स पर ज़्यादा असर करती हैं। जैसे जी ओपिएट्स हैं, अफीम मॉर्फिन रिलेटेड जितने भी ओपिएट्स हैं, अफीम वगैरह वगैरह जी, ये यूफोरिया के अलावा जो स्पेशल इनका इफेक्ट होता है वो होता है हमारे लंग्स रेस्पिरेशन पे, सांस लेने की जो फ्रीक्वेंसी है, जिस रेट से हम सांस लेते हैं, ज़्यादा होने पर उस पर कमी आ जाती है, सांसें कम होने लगती हैं, बेहोशी ज़्यादा होने लगती है, और जो हमारी नवाज पल्स रेट है, हार्ट रेट है, वो भी कम होने लगती है, और ये ज़्यादा डोजिंग पर कोमा यानी अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी, उसके साथ ब्लड प्रेशर, पल्स कोलैप्स और सांस खत्म, मौत भी हो जाती, मौत हो जाती है। ये हुआ इस ग्रुप का जो स्पेशल फीचर है जी। ऐसे कैनबिस लेंगे, ये भांग वगैरह वगैरह, इनका इफेक्ट, इनका जो स्पेशल विभिन्नता है, जो स्पेशल यूनिकनेस है, वो है एक तो हार्ट रेट बढ़ा देता है, जो हार्ट की गति है वो ज़्यादा हो जाती है, तो जब हार्ट पेशेंट्स इसको लेते हैं और हार्ट की गति बढ़ जाती है, उनमें अक्सर हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है। दूसरा है कि ये आँखों में एक लाली कर देता है, तो लाल आँख एक निशानी है कि ये किसी ने गांजा या चरस से कुछ लिया हुआ है जी। आँखों की जो सफ़ेद वाला हिस्सा वो लाल हो जाता है इसके बाद, तो ये एक हार्ट पे थोड़ा ज़्यादा असर करता है। और परसेप्शन यानी जिस तरह से हम किसी चीज़ का एहसास करते हैं, परसेप्शन उसमें गड़बड़ी पैदा कर देता है, जो जो दूर की चीज़ है वो पास लगती है, जो पास की है वो दूर लगती है, जो ऊपर है वो नीचे लगती है, वो टेढ़ापन जो हमारे परसेप्शन में आ जाता है, डेप्थ परसेप्शन वगैरह वगैरह कैनबिस में। और जो साइकोमोटर, दिमाग आँख और हाथ के बीच में जो समन्वय है तालमेल है जी, वो ढीला पड़ जाता है, टूट जाता है कहीं, तो साइकोमोटर जो कोऑर्डिनेशन है वो भी इससे खराब हो जाता है, तो ये इसकी यूनिकनेस है जी। ये काफ़ी सारे लक्षणों की बात हम कर रहे हैं डॉक्टर आलोक, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो तमाम लक्षण या जो इफ़ेक्ट्स डॉक्टर गुर्तू ने बताए हैं, ये आप बताएं कि क्या व्यक्ति पहली बार ले रहा है, या ड्रग यूज़, ड्रग एब्यूज़ और ड्रग एडिक्शन, ये जो तीन स्टेजेस हैं, क्या इनमें सभी व्यक्तियों को समान लक्षण होंगे या किस तरह से इनकी गंभीरता या सीवियरिटी बढ़ेगी? जो डॉक्टर गुर्तू ने अभी हमें नशे के असर में होने वाले लक्षण बताए, वो लक्षण हैं जो कि नशे के एक बार इस्तेमाल पे आते हैं। नशे, जैसा सवाल था कि अलग अलग कैसे हैं, तो नशे, कुछ नशे ऐसे हैं जो दिमाग की एक्टिविटी को, उसकी गतिविधियों को बढ़ा देते हैं, कुछ नशे ऐसे हैं जो दिमाग की एक्टिविटीज़ को कम कर देते हैं, और कुछ नशे ऐसे भी हैं जो कि दिमाग की कुछ नई एक्टिविटीज़ पैदा कर देते हैं, उनको हम हेलिसिनोजेंस कहते हैं। तो ये सारे लेकिन जो असर हैं, ये कोई अगर व्यक्ति एक बार भी इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर ये असर दिखेंगे, लेकिन सिर्फ एक बार किसी नशे का इस्तेमाल का मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति अब उसकी लत का शिकार हो गया है। आमतौर पे जब हम लत को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि एक ऐसी अवस्था है जो किसी भी नशे के लंबे समय तक बार बार इस्तेमाल के बाद उत्पन्न होती है, और इस अवस्था में व्यक्ति के लिए नशे का इस्तेमाल उसके जीवन की दूसरी गतिविधियों और जिम्मेदारियों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये अवस्था आते आते, ये हालांकि अलग अलग नशों के लिए समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन कई महीने या कई साल लग जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि जल्दी आ जाए, कुछ नशों में ऐसा भी हो सकता है कि जल्दी आ जाए, लेकिन कई बार और ऐसा कुछ भी लोगों में, कुछ लोगों में, खास तरह के लोगों में, खास तरह के लोगों में, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि वो नशे का इस्तेमाल करते हैं और लेकिन कभी भी उस अवस्था तक नहीं पहुंचते जिसको एडिक्शन कहा जाता है जी। तो ऐसा भी संभव है, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति नशे का इस्तेमाल करता है तो वो अल्टीमेटली लत की अवस्था या एडिक्शन तक पहुँचेगा ही जी। और इसका कोई पैमाना नहीं है कि किसी भी व्यक्ति में अगर वो नशे का इस्तेमाल कर रहा है कि उसको लत कितने समय में लगेगी, क्योंकि दुष्प्रभाव हर व्यक्ति पर होता है किसी भी तरह के नशे के इस्तेमाल करने का। आज हम बात कर रहे हैं नशे के होने वाले दुष्प्रभाव और उससे बचाव के बारे में, ये चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos. Get the latest news.
and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आज बात हो रही है मादक द्रव्यों से मुक्ति की, नशा मुक्ति की। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जिन मादक द्रव्यों को हम दवा के तौर पर इस्तेमाल करते थे, दवा के तौर पर जानते थे, वो नशे की एक बहुत बड़ी वजह हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जम्मू से कल्याण सिंह जी हैं टेलीफोन लाइन पर। कल्याण सिंह जी, आपका बहुत स्वागत। जी सर, देखिए मैं 14 साल से पी रहा हूँ सर। ठीक है। और 18-19 की एज में सर मैं यहाँ से मनाली चले गया और मनाली में मेरे दोस्त बने इसराइल के। जी। और उनके साथ रह गए सर मैं, ड्रग्स पीना, मतलब चरस पीना। चरस? जी, उससे सर मेरा चिड़चिड़ापन ज्यादा आ रहा है और मतलब गुस्से में रहना, जैसे और जैसे हड्डियों का ढांचा जैसा रह गया पूरे शरीर में। कितनी उम्र है आपकी? एक साल से तो मैंने छोड़ दिया है मतलब इसको, चरस को लेना, लेकिन पीड़ी नहीं छूट रही है सर। और जब से मैंने ये चरस छोड़ा है तब से मतलब शरीर घटता ही जा रहा है। ठीक है। कोई और नशा भी करते हैं आप आजकल? तो सिर्फ बीड़ी पी रहे हैं, कुछ और भी नशा करते हैं आप? नहीं, अभी तो कोई नशा नहीं करता, सिर्फ बीड़ी और सिगरेट। सिर्फ बीड़ी पी रहे हैं। डॉक्टर आलोक, क्या कहना चाहेंगे आप इनको? पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने अपना एक नशे का इस्तेमाल ऑलरेडी छोड़ दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इनको काफ़ी अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि इन्होंने इतने साल ये नशा इस्तेमाल करने के बाद इस प्रकार से छोड़ा। हम जान नहीं पाए कि इन्होंने इसके लिए कोई इलाज लिया है, कोई सलाह ली है, उन्होंने अपने आप ऐसा किया। लेकिन एक संदेश तो बहुत साफ है कि छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। इससे सबसे पहले तो सभी लोगों को यही पता लगता है कि नशा छोड़ना लत लगने के बाद भी संभव है। दूसरा, जहाँ तक इनके बीड़ी के इस्तेमाल की बात है, कल्याण सिंह जी, मैं कहना चाहूँगा कि बीड़ी छोड़ना शायद सबसे मुश्किल काम है सारे नशों में, क्योंकि इतनी आसानी से उपलब्ध होती है, इतने सारे लोग बीड़ी या सिगरेट पीते हैं जिनको देख के आपके अंदर भी शायद इच्छा आ जाती होगी पीने की, और इतना इसका कॉस्ट भी कम है दूसरे नशों के मुकाबले कि व्यक्ति इसको आसानी से अफोर्ड कर पाता है। लेकिन बीड़ी या सिगरेट छोड़ना भी संभव है, इसके लिए अगर आपको सही सलाह और इलाज। तो बीड़ी छोड़ना चाहते हैं, दूसरा वो कह रहे हैं कि हड्डी का ढांचा रह गए हैं बिल्कुल वो। जी, पिछले एक साल से हालांकि आपने चरस का इस्तेमाल बंद कर दिया है, सिर्फ बीड़ी पी रहे हैं, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे कमज़ोरी बढ़ती जा रही है और वज़न कम हो रहा है। मेरे ख्याल से इसके लिए आपको किसी चिकित्सक से मिल के सलाह लेनी चाहिए, कोई जांच करानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इस प्रकार की परेशानी का कारण नशा ही हो, तो कारण जान लेना जरूरी हो। कारण जान लेना जरूरी है, उसके लिए जांच कराना आवश्यक हो। जी डॉक्टर नागपाल, ये जो चर्चा में एक बात आई थी कि जब भी कोई व्यक्ति नशे का इस्तेमाल करता है तो कुछ इफेक्ट्स या इल इफेक्ट्स कहा जाए, जो डॉक्टर गुरतू ने, डॉक्टर आलोक ने बताया कि हो जाते हैं, वहीं पर जब पार्टिंग की बात आती है, बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि बच्चों को ये लगता है या फ्रेंड्स के साथ अगर क्लब्स में गए, डिस्क में गए, जो कि चलन आजकल काफ़ी बढ़ रहा है, तो उनको लगता है कि सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाए एक्सपेरिमेंट के तौर पर, तो इसमें हर्ज ही क्या है? आप क्या कहते हैं? बात सही है कि अगर कोई किशोर है या कोई युवा वर्ग है, सबसे पहले तो यही एहसास होता है ना कि जो स्थिरता मिलती है, जो एकाग्रता मिलती है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, पढ़ाई चंद दिनों के लिए बेहतर हो जाती है, या अति अनंत खुशी मिलती है, ये लगता है कि एक बार लेने से अगर फ़र्क पड़ा है तो मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा, मैं और निराशा से और सच्चाई से हट के और आशावादी और अचीवर बन जाऊँगा, जिसको प्राप्ति का बात कहते हैं। लेकिन धारणा ये जो गलत फैल रही है उसको हमें जांचना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बार जो है ये कई बार का लत और व्यसनता बन जाती है, 99% होता ही है। अभी इनकी भी बात, जो सवाल आए हैं चमन जी के, कल्याण जी के, हम इन्हीं से सीखें, इनकी मेहनत से सीखें कि युवा वर्ग का जो उस वक्त मस्तिष्क होता है वो एक प्राप्ति के तरफ चलता है, प्लेजर जो मिलता है वो एक बार, दो बार से 100 बार पहुँचता है और उसी स्थिति में वापस जाने के लिए चेष्टा करता है, भले वो मूड हो, पढ़ाई लिखाई हो, या एक काल्पनिक दुनिया हो जो मुझे एक रोज़ के दुख दर्द और परेशानियों से दूर हटके बादलों के बीच में ले जाए, जो अक्सर हमें पिक्चरों में दिखाया जाता है। वो सच है कि नशीली पदार्थें, खासकर वो दवाई भी क्यों ना हो जो हमें इलाज के लिए लेनी पड़ी हो। अब देखिए,
आजकल हम काफ़ी देख रहे हैं कि जो दर्द की दवाएं हैं ऑपरेशन के बाद दी जाती हैं और नींद की गोलियां हैं, अवसाद या डिप्रेशन की गोलियां हैं, बेचैनी घबराहट की गोलियां हैं, ये सब डॉक्टरों के जांच पड़ताल के बाद हफ्ते दो हफ्ते या जितने समय के लिए निर्धारित हो तब ठीक है, लेकिन खरीद कर हम 100-100 गोलियां रख लेते हैं, 200-200 गोलियां रख लेते हैं और 6 महीने बिना डॉक्टर से पूछे जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो नशा युवा वर्ग को बर्बाद कर रहा है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर आलोक। इसमें एक बात जो अभी जैसे कल्याण सिंह जी का फोन था, एक दिक्कत सबसे बड़ी ये होती जो कि बात चर्चा में आई गई है कि नशा करना आसान है और उसके बाद उसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो पहली चीज़ तो ये है कि नशा करना आसान है, कोई कैसे जाने कि उसके आसपास कोई नशा कर रहा है और उसे ज़रूरत है अब आप जैसे किसी विशेषज्ञ की कि वो वहाँ जाए, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है, इसमें सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि यहाँ तो व्यक्ति ने जैसे ये बता रहे थे चरस पीते थे, इन्होंने छोड़ दिया और ख़ुद मदद मांग रहे हैं। अक्सर व्यक्ति को खुद पता ही नहीं होता कि मुझे मदद चाहिए, ज़बरदस्ती कैसे करे कोई किसी। बदर जी आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट हाईलाइट किया है कि ज़्यादातर लोग जो नशे की लत का शिकार हैं उनको या तो स्वयं एहसास नहीं होता कि वो लत का शिकार हैं या फिर उनको जानकारी नहीं होती कि अगर लत का एहसास भी है कि इसको किस तरह से छोड़ा जा सकता है, कहाँ सहायता प्राप्त हो सकती है। जहाँ तक आइडेंटिफिकेशन का सवाल है कि किसी भी व्यक्ति को अगर लत है तो उसको कैसे पहचानें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पहले भी कही वो ये है कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति के लिए नशे के बिना जीवन अपना जी पाना संभव नहीं रह जाता। अगर वो नशा छोड़ने की कोशिश करता है तो उसको तीव्र इच्छा होती है नशा लेने की, जो कि वो खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मजबूरी में दोबारा नशा लेना ही पड़ता है। खास साथ ही साथ कुछ शारीरिक और मानसिक लक्षण भी पैदा होते हैं जिनको हम लोग विड्रॉल्स कहते हैं। उसके अलावा व्यक्ति के लिए नशे के इस्तेमाल में नशे को ख़रीदने में, उसका इस्तेमाल करने में, उसके असर में रहने में इतना समय निकल जाता है कि वो दूसरी किसी जिम्मेदारी या एक्टिविटी, इवन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। उसके अलावा काफ़ी खर्चा होता है, नशे की मात्रा बढ़ती जाती है, सर ने जैसे बताया टॉलरेंस हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनसे पहचाना जा सकता है कि व्यक्ति नशे की लत का शिकार है। इसमें एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, वो ये कि नशे का एडिक्शन भी काफ़ी समय में डेवलप होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को एडिक्शन की स्टेज में ही पहचान कर सकते हैं। शुरू में भी पहचान, उससे पहले की भी अच्छा। स्टेजेस हैं जिसमें व्यक्ति की पहचान हो सकती है, लेकिन उसमें इस तरह के गंभीर लक्षण शायद ना हो, लेकिन हल्के हल्के लक्षण जैसे कि आपके ग्राफिक्स में भी दिखाया जा रहा है कि स्वभाव में बदलाव होना, चिड़चिड़ापन, काम में मन नहीं लगना या पढ़ाई में मन नहीं लगना, खाने पीने या सोने के समय में बदलाव हो जाना, इस तरह के हल्के हल्के लक्षण, या दोस्तों से मनमुटाव होना या दोस्त बदल जाना, इस तरह के लक्षण भी सामने आते हैं शुरू में, जो कि अगर व्यक्ति हम जानते हैं कि नशा लेता है तो इस बात के सूचक हो सकते हैं कि शायद वो नशे की लत की तरफ जा रहा है। एक छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा डॉक्टर नागपाल, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर आलोक की बात से निकलती है, वो ये कि बहुत से लोग, बहुत से युवाओं की अगर हम बात करें तो माँ बाप अगर ये कहें कि भाई तुम फलां दोस्त के साथ रहते हो वो सिगरेट पीता है, ऐसे दोस्त मत बनाओ। अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना जाता है कि मेरे दोस्त ये नशा करते हैं लेकिन मैं नहीं करता। ऐसे लोगों के साथ रहने में क्या खतरा हो सकता है? बहुत महत्वपूर्ण बात है। खासकर देखिए जब जिंदगी के बदलाव आते हैं, अब बच्चा बचपन जब किशोरों की तरफ जाता है और किशोर जब युवा वर्ग की तरफ जाते हैं, कहते हैं एक ज़िंदगी का ब्रिज होता है, तब माँ बाप का, अभिभावकों का, टीचर्स का, स्कूलों का, देश का जिम्मेवारी बनती है कि हम ध्यान रखें। बिकॉज जैसा अभी आलोक साहब कह रहे हैं कि ये एक जो ब्रिज होता है, जब हम शरीर बढ़ता है, हॉर्मोन्स बदलते हैं, तब इच्छा होती है एक्सपेरिमेंट करने की। हम कह सकते हैं, हम अपने फैमिली को कह सकते हैं, टीचर्स को कह सकते हैं कि नहीं भाई उस ग्रुप के साथ हमारी दोस्ती जरूर है लेकिन हम नहीं करते हैं। लेकिन जैसा किरण जी बता रही थी थोड़ी देर पहले कि वल्नरेबल होना, कमज़ोरी होना एक दोस्ती यारी में, एक माहौल में, एक पार्टी के माहौल में, उस वक़्त फिर हमारे वसूल और नीतियाँ याद नहीं रहती हैं, हमारे मूल्य मंत्र याद नहीं रहते हैं, यही करिश्मा है हमारे दिमाग का। और उस वक़्त हम एक हावी होकर, जिसको कहते हैं कि हम उसको एक पॉजिटिव स्ट्रेस समझकर, खुशी समझकर उस जिज्ञासा के शिकार हो जाते हैं। वो ध्यान रखना और पहचानना हर फैमिली के लिए, खासकर जैसे अभी बात हो रही थी, कुछ पहेलियां रचने लगते हैं हम, जैसे नहाने में 2 घंटे लगा देना। कई बार माँ बाप कहते हैं कि भाई ये आते हैं अपने घर और अपने कमरे में झट से भाग जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं।
ये पहले नहीं था बच्चा, तो ये 6 महीने हो गए भाई। अब 6 महीने के बाद पता लगा कि उनके ड्रॉर में, उनकी अलमारी में नशा है। तो ये पहचानना ज़रूरी है, इसमें कोई डांटने की बात नहीं है। मन से, प्यार मोहब्बत से चर्चा करिए, कनेक्ट करिए। अक्सर ये बात शायद आ रही है कि जो बॉन्डिंग है फैमिली में सर, वो भी संचार कम हो गया है ना। जी हाँ, तकनीकी दुनिया में आपसी मेल मिलाव भी कम हो गया है, तब दूरियां जब आती हैं तब इस चीजें, इन साइड की चीजें और बढ़ रही हैं, तो वो जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर नागपाल, और हालात तो घरों में अक्सर ये भी देखे जाते हैं कि एक ही घर में अलग अलग कमरों में लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं या फोन करके बुलाते हैं। खैर, ये बदल रही है दुनिया, दुनिया ऐसे भी बदलेगी, किसे मालूम था। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं मादक द्रव्यों से मुक्ति के बारे में, ये चर्चा जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नशा मुक्ति के बारे में। फिलहाल टोटल हेल्थ में समय हो गया है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 6, 7, 8 में हमने आपसे सवाल किया था कि आंखों के संक्रमण यानी आई इन्फेक्शन होने पर इनमें से क्या नहीं करना चाहिए। 5 ऑप्शंस आपके पास थे। सही जवाब ऑप्शन सी, बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी आई ड्रॉप आँख में डालना गलत है। अगर आई इन्फेक्शन है तो उससे इसका खतरा और गंभीरता बढ़ सकती है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये जानने से पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि ड्रग्स लेने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर क्या खतरा हो सकता है। ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी के संक्रमण का खतरा। ऑप्शन बी, मस्तिष्क को क्षति। ऑप्शन सी, हृदयाघात का खतरा। ऑप्शन डी, तालमेल और संतुलन में कमी। या फिर ऑप्शन ई, ये सभी। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealthddnews@gmail.com पर। तो आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड 6, 7, 8 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर नागपाल से, जिनके सामने मौजूद हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे मिली हैं। डॉक्टर नागपाल, इन करेक्ट एंट्रीज में से कौन बने हैं आज के एक लकी विनर, आप उनका नाम और उनके शहर का नाम आप हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज। जरूर। इस बार के लकी विजेता हैं पंकज कुमार ब्रह्मपुरी। पंकज कुमार जी को बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर गुरटू, आपको ड्रग्स यानी मादक पदार्थ शरीर पर कैसे असर डालते हैं? अगर इसका जवाब एक ही वर्ड में देना पड़े तो आपका जो शीर्षक है इस प्रोग्राम का वही सब कुछ बता देता है। टोटल हेल्थ, जो इन नशीले पदार्थ हैं, ड्रग्स हैं, इनका टोटल हेल्थ पर टोटल इफेक्ट पड़ता है हर सिस्टम में जी, और इंडिविजुअल उस व्यक्ति पे और आसपास के समाज में दोनों की हेल्थ पर असर आता है। डॉक्टर आलोक, ड्रग्स की कीमत सिर्फ व्यक्ति चुकाता है, उसका परिवार या फिर समाज नहीं? हम सभी, व्यक्ति तो एडिक्शन का शिकार होता ही है, लेकिन जब भी किसी को एडिक्शन होता है तो उसके परिवार को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो सामाजिक हो या फिर आर्थिक, और बाकी समाज को भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं जो कि ड्रग्स से जुड़े हुए हैं जी, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि समाज में भी फैलती हैं जो ड्रग्स से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर नागपाल, ड्रग एडिक्शन मादक पदार्थ की जो लत है वो किसे कहते हैं? जब कोई भी नशीली पदार्थ का इस्तेमाल बार बार हो, गहराई से हो, और शायद व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक तत्वों को धीरे धीरे एक डिक्लाइन की तरफ ले जा रहा है, प्रभाव उसका दुष्प्रभाव हो, उसको लत कह देते हैं जी। डॉक्टर अनिल गुरटू, क्या गर्भवती महिला अगर मादक पदार्थों का सेवन करती है उसके बच्चे पर कितना दुष्प्रभाव पड़ सकता है? चांस इसका लगभग 5% है, काफी लेकिन दुष्प्रभाव पड़ता है। दिमाग यानी जो उसका IQ है, दिमागी डेवलपमेंट है, वो कमज़ोर। दिल यानी यहाँ पर छेद,
जिसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं वो। इसके अलावा जो उसका आगे पैदाइश के बाद जो डेवलपमेंट है, न्यूरो डेवलपमेंट, उसमें भी कमी और गिरावट आ जाती है। डॉक्टर आलोक, कोई हमारे आसपास ड्रग्स ले रहा है, मादक पदार्थ ले रहा है, हम कैसे पहचानें? जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसका व्यवहार में परिवर्तन, उसके सोचने समझने के तरीके में परिवर्तन, उसका जो अपने परिवार, अपने दोस्त या अपने दूसरे जो ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें पहले इंटरेस्ट लेता था, उनमें अगर कोई बदलाव आता है तो हम उसको पहचान कर सकते हैं। डॉक्टर नागपाल, ड्रग्स की लत कितने समय में पड़ेगी, क्या इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है? एक बार भी नशीली पदार्थों का इस्तेमाल करने से लत पड़ सकती है, इसलिए ये नुकसानदायक नहीं, एक दुर्घटनापूर्ण समस्या है। डॉक्टर गुचू, क्या कोई व्यक्ति डॉक्टर की लिखी हुई दवाओं का भी एडिक्ट हो सकता है? हाँ और नहीं, लेकिन ज़्यादातर नहीं। अगर जैसे हम जब प्रिस्क्राइब करते हैं मॉर्फिन भी, ओपिएट्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं, और इसका बहुत ज़रूरी इलाज है कई बीमारियों के लिए, दर्द के लिए, आमतौर पर इससे एडिक्शन नहीं होता है अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करता है तो। जी। उसको जब तोड़ देते हैं, फॉलो नहीं करते, तब एडिक्शन का पोटेंशियल बढ़ जाता है। डॉक्टर आलोक, क्या फिजिकल डिपेंडेंस और एडिक्शन में कोई अंतर है? बिल्कुल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फिजिकल डिपेंडेंस हो सकती है, ख़ासतौर पे अगर वो ऐसी दवाइयाँ कुछ प्रेस्क्रिप्शन के तौर पे ले रहे हैं जो कि डिपेंडेंस पैदा करती हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो साइकोलॉजिकली भी डिपेंडेंट हो उन दवाइयों पे, तो उस अवस्था को हम एडिक्शन नहीं कहते हैं। एडिक्शन हम तब कहते हैं जब साइकोलॉजिकल भी कॉम्पोनेंट हो उस दवा के इस्तेमाल। जी डॉक्टर नागपाल, क्या एडिक्शन यानी लत एक मनोरोग है? जी, और ये हमारी मनोदशा, जो स्थिरता वाली मनोदशा है, रोज़ाना के पहलू, पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत या व्यवसायिक भी क्यों ना हो, उससे इंसान को हटा देती है, और इसलिए वो लत जो है, कहते हैं कि ये एक बीमारी का रूप ले लेती है, वरना लत तो एक मौज मस्ती के कारण भी कई देखे जाते हैं, लेकिन जब ये लक्षण बढ़ बढ़ के एक सिंड्रोम या बीमारी का रूप ले लेते हैं, इसलिए उसको डेंजरस लत कहते हैं। डॉक्टर अनिल, क्या ड्रग्स और अल्कोहल के नशे में कुछ अंतर होता है? जैसे कहा, थोड़ी विभिन्नताएं तो हैं हर ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स में, लेकिन जो इसका असर है वो वही है एडिक्शन, और एडिक्शन का असर टोटल हेल्थ पर वही है, हर एक एडिक्शन का, चाहे कोई भी दवाई हो, टोटल हेल्थ पर वही टोटल असर पड़ता है। जी। तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई ऐसे ज़्यादा फर्क है। डॉक्टर आलोक, ड्रग्स के नशे के उतार पर हैंगओवर होगा या विथड्रॉल? अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से नशा ले रहा है, उसका एडिक्शन है, अगर वो अचानक से उस नशे को लेना या तो कम करता है या बंद करता है, तो उसको कुछ शारीरिक और मानसिक लक्षण आते हैं जिनको हम विड्रॉल कहते हैं। हैंगओवर तब होता है जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करें नशे का, और ख़ासतौर पर शराब के नशे में देखा जाता है। जी डॉक्टर नागपाल, बच्चे, किशोर या युवा, इनमें से किसे नशे की लत जल्दी पड़ सकती है? जैसा अभी चर्चा में बात आई थी, जब बदलाव होते हैं शारीरिक, मानसिक और अपने चुनौतियों के बदलाव होते हैं, बचपन जब किशोर अवस्था के प्रति प्रवेश करता है, जिसको साइंस प्यूबर्टी भी कहती है, तब से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल टाइम जिंदगी का पहली बार तब होता है। डॉक्टर गुटू, ये सवाल आपके पास है, क्यों कुछ लोगों को औरों के मुकाबले जल्दी लत लग जाती है? ये एक पेचीदा सवाल है, जिसका मेरा अनुमान ऐसा है कि एक न्यूरो बायोलॉजिकल मॉडल एक्सप्लेन करेगा, उसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं इन्वॉल्व 50-60%, लेकिन जेनेटिक फैक्टर्स अपने आप में नहीं, उनके इंटरैक्शन, जो पर्यावरण एनवायरनमेंट के इंटरैक्शन से ये उत्पन्न करते हैं। जी डॉक्टर आलोक, मादक पदार्थों की लत कैसे छोड़ी जा सकती है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये ऐसी एक अवस्था है जिसका इलाज संभव है, और इसके इलाज के लिए हमें दवाइयों की भी आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ कुछ प्रकार की काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस की भी आवश्यकता होती है। डॉक्टर नागपाल, मादक द्रव्यों का नशा छोड़ने में परिवार और मित्रों की कितनी भूमिका हो सकती है? बहुमूल्य है सब। कोई भी व्यक्ति एक आदत, एक लत के बाहर आने में सहायता चाहता है, शायद बता नहीं सकता, लेकिन उसको ज़रूरत है, क्योंकि लत ही एक अपने में एक बीमारी है और इंसान को निराश, हीन और कई बार बेबस कर देती है। तो क्या सहयोगी हमारे परिवार और दोस्त नहीं होते हैं? मैं समझता हूँ कि साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर से ज़्यादा
एक इंसान को साहिल के तौर पे मौजूद रहना ज़िंदगी में, इंसान को व्यसनता से बाहर लाने में परिवार का और दोस्तों का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जी। डॉक्टर अनिल गुर्तु, व्यायाम और योग क्या नशा मुक्ति में योगदान या लाभकारी होगा? मेरे हिसाब से हाँ, व्यायाम और योग दोनों, क्योंकि ये दोनों भी एक तरह से वही प्लेजर जो बताया गया था अभी उत्पन्न करते हैं जो कि नशीली पदार्थें करती हैं, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में रहते हैं और इससे हमारा स्वास्थ्य ऑलराउंड अच्छा होता है, तो मेरे ख्याल से हाँ जी। डॉक्टर आलोक, किसी व्यक्ति को जिसको कोई मनोरोग या मानसिक समस्या हो और वो इन ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगे तो क्या उसका इलाज पेचीदा हो जाएगा? बिल्कुल, एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले इलाज ज़्यादा पेचीदा होता है। ऐसे लोगों में नशे के इस्तेमाल से एडिक्शन तक जाने की संभावना भी ज़्यादा रहती है, लेकिन दोनों बीमारियों का एक साथ इलाज संभव है और दवाइयां और काउंसलिंग दोनों के लिए ही ज़रूरी है जी। डॉक्टर नागपाल, क्रेविंग यानी नशे की जो इच्छा है उसे लेने की, उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? विभिन्नता की बात हो रही है। देखिए, ज़िंदगी की दिनचर्या बदलना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है इलाज के तौर पर। जैसे देखिए, रोज़ का सेवन है, खान पीन है, एक व्यायाम है, योगा है, नेचर के करीब रहना, कई बातें ऐसी होती हैं। जैसे एक उदाहरण है, अगर हम सिगरेट बीड़ी छोड़ना चाहते हैं तो इलायची है, सौंफ है, च्युइंगम है, टॉफ़ी है, ये भी मानते हैं कि नशा है लेकिन उतना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन उसका उपयोग दुर्भाष्य तक ना पहुँचे ये बात हमें ध्यान में रख के उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़िंदगी में बदलाव लाना ज़रूरी है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, तब बहुत सारे व्यक्ति नशीली पदार्थों से बाहर आ जाते हैं जी। और ये अगला सवाल पूछें, हमारे बहुत से दर्शकों ने ईमेल्स भेजे हैं, कौशल अग्रवाल हैं और ओमकार कोसे। डॉक्टर गुर्तु, दरअसल भांग को लेकर जो बात आती है, बहुत से लोगों ने लिखा भी है, जो हम सबके सवाल तो शामिल नहीं कर पाएंगे इस वक्त, लेकिन वही कह रहे हैं कि भांग को लेकर ये कहा जाता है कि ये तो प्रसाद है, ये तो सेहत के लिए बहुत अच्छी है। भांग का नशा क्या सेहत के लिए अच्छा भी होता है? ये अगेन इसमें कल्चर से जुड़ा हुआ है, लोकल कल्चर्स, संस्कृति से जुड़ी हुई बात है, लेकिन नशा है और हाँ जी बताएं, किस रूप में हम भांग ले रहे हैं वो काफ़ी हद तक ये बताता है हमें कि ये इसका हेल्थ पर असर खराब होएगा या नहीं। अगर हम सिगरेट के ज़रिए स्मोक करते हैं भांग या कैनबिस चरस, तो उससे नशा तो होता ही है, लेकिन इसका जो हेल्थ पर प्रभाव है वो बहुत बहुत ख़राब होता है, क्योंकि स्मोकिंग का जो नेगेटिव है, हार्ट, ब्रेन और लाइफ स्पैन कम कर देना 10 साल तक, वो इससे जुड़ जाता है। लेकिन जो खाते हैं इसको, जैसे ये भांग के लड्डू या उसमें, और ये त्यौहार होते हैं या खास खास समय पर खाते हैं, उससे मेरा ख्याल कोई ज़्यादा नहीं होता, ये एक कल्चरल, एक सांस्कृतिक वो है जी। डॉक्टर आलोक, अल्कोहल यानी शराब ड्रग्स के लिए गेटवे का काम करती है, क्या आप इसको सही मानते हैं? कुछ हद तक ये इस बात सही है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो शराब का सेवन करता है वो दूसरी ड्रग्स का भी सेवन करता है। तो कुछ लोगों के लिए गेटवे का काम ज़रूर करती है, पर ऐसा हर व्यक्ति में हो ये ज़रूरी नहीं। डॉक्टर नागपाल, एक बार इलाज के बाद क्या युवा और बच्चे हमेशा के लिए नशा मुक्त हो जाते हैं या कुछ और ध्यान रखना पड़ता है? नशा मुक्ति एक जीवन का सफ़र है, एक सराय नहीं है। तो ये सोच विचार की धारा, ये जज्बा चलते रहना चाहिए, जैसे कई पहलुओं में हमारे ज़िंदगी में रोज़ाना की बातें शामिल हैं। किन बातों से दूर रहना, किन बातों को पहले से पहचान लेना, जिसको अर्ली आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, ताकि वो दुर्घटनाएं ज़िंदगी में बार बार रिपीट ना हो जी। ये अगर हम जीवन का मुद्दा लेके चलें तो मैं समझता हूँ कि डी एडिक्शन एक ज़िंदगी भर का सफ़र है और उसको आप अपना के चलें सोच विचार की धारा में जी। और ये सवालों का आखिरी राउंड है, तो हम चाहेंगे डॉक्टर अनिल कि आप सभी अपने मैसेजेस, टेक होम मैसेजेस भी इसमें शामिल कर दें। आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग शराब का सेवन या नशे का सेवन करते हैं, क्या स्क्रीनिंग या इस तरह के जो स्टेप्स हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं उनको जल्द पहचान करने में और इलाज की तरफ ले जाने में? बिल्कुल हाँ, इसमें स्क्रीनिंग में एक तो साइकोसोशल बिहेवियरल, जो अभी बताया डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, डॉक्टर आलोक अग्रवाल, दोनों ने बताया कि अगर कोई भी बिहेवियर चेंज एकदम से हुआ है, सडन, वो एक सांकेतिक वो है, संकेत करता है कि शायद। दूसरा मेडिकल
हेल्थ। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, निमोनियाज, तो क्या अल्कोहल है? किसी को लिवर एप्सिस हो गई, जो लिवर का एप्सिस है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत करता है कि ये अल्कोहल काफ़ी ले रहा है। पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियास का वो हो जाना इन्फेक्शन, पैनक्रियाटाइटिस तो वो है। जॉन्डिस, जिसका कोई वजह नहीं पता चल पा रही है, जॉन्डिस लिवर की बीमारी, ये एक और संकेत करता है। इसके अलावा किसी को न्यूरोपैथी हो जाए, हाथ और पैरों में चीटी सी चल रही है, उसका कोई वजह नहीं मिल पा रहा, तो आप पूछिए। तो ये ऐसे कोई भी नई चीज़ एक संकेत दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये संदेश की बात भी है डॉक्टर आलोक, हम ये चाहेंगे कि चलते चलते बस अब आप ये बताएं कि नशा मुक्ति का अगर इलाज कहीं कोई कराना चाहे तो वो कहाँ हो सकता है, खर्चा कितना आएगा, और उसको लेकर क्या कुछ अगर भ्रांतियाँ भी हैं जिन्हें आप दूर करना चाहें वो भी बता दें। नशे के इलाज में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको आमतौर पर धारणा ये रहती है कि ये एक आदत की बात है और सिर्फ व्यक्ति अपनी विल पावर या मोटिवेशन के ज़रिए ही इससे इसको छोड़ सकता है। ये गलत धारणा है। नशा जैसे कि दूसरी बहुत सारी क्रॉनिक इलनेसेस, लंबे समय चलने वाली बीमारियां होती हैं, उसी प्रकार से नशा भी अल्टीमेटली एक क्रॉनिक रिलैप्सिंग इलनेस करके हम इसको बोलते हैं कि लंबे समय चलने वाली और बार बार वापस आने वाली बीमारी के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए। और जैसे दूसरी इस तरह की और बीमारियों में हमें इलाज की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से नशे का भी इलाज संभव है। जी, जहाँ तक बात है इसके खर्चे की, तो नशा अपने आप में बहुत महंगी एक एडिक्शन अपने आप में बहुत महंगी अवस्था है, लेकिन नशे का इलाज उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा सस्ता है। और ये सरकारी अस्पतालों में ख़ासतौर पर अब आजकल और कुछ हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा समर्थित कुछ NGOs इसका इलाज उपलब्ध कराते हैं, और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल है। जो बच्चे हैं या किशोर हैं उन्हें कैसे बचाया जा सकता है नशे की लत से? सबसे पहले तो शिक्षा प्रणाली में इन इन बातों का जो विवरण है विस्तार रूप से किया जाना चाहिए। देखिए, केवल ये सोशल साइंसेज की किताबों में एक पैराग्राफ रहे नशीली पदार्थों के बारे में, ये बहुत नहीं है, क्योंकि ये एक थ्योरी नहीं है, एक ज़िंदगी भर का मसला बन सकता है। तो लाइफ स्किल्स यानी कि जीवन कौशल और जीवन शैली के हिसाब से जो वर्कशॉप्स होते हैं, पार्टिसिपेशन होता है, बच्चों को लीडरशिप दी जानी चाहिए। किशोर अवस्था एक बहुत बड़ा राजदूत है हमारे देश के लिए, वो लीडर्स बन सकते हैं ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन कैंपेन्स के लिए। कॉलेज के यूथ को इन्वॉल्व करना, जैसा अभी बात हुई कि NGOs को इन्वॉल्व करना, उनके साथ युवा वर्ग जुड़ें और तैयार हैं, लेकिन हम उन तक क्यों ना पहुंचें, सरकार उन तक, कॉलेजेस तक और स्कूलों तक क्यों ना पहुंचे। 17 लाख स्कूल हैं हमारे देश में और शायद उतनी आबादी दुनिया भर में नहीं है। हम किशोरों को लीडर्स बनाएं इन कैंपेन्स के लिए, मुझे लगता है कि परिवार तक बात पहुंचेगी, देश तक बात पहुंचेगी, और कहीं पर भी ड्रग्स की सप्लाई हम बच्चों तक ना पहुंचने दें। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी विशेषज्ञों का। तो बहुत ज़रूरत है संदेश सब तक पहुंचाने की, और जब भी नशे की बात आती है तो उसको जो है नकारात्मक सोच में लिया जाता है क्योंकि मादक द्रव्यों की बात होती है, लेकिन अगर आपको नशा करना है तो नशा रखिए जीवन में कुछ पाने का, अपने लक्ष्य को हासिल करने का और उस लक्ष्य तक पहुंचने का। सकारात्मक सोच रखिए, नशे और भी हो सकते हैं, मादक द्रव्यों का इस्तेमाल न करें, सेहतमंद रहें और कुछ ना कुछ प्राप्ति की इच्छा ज़रूर रखें। सेहत रोज़ गंवाना पड़ती है, ऐसा नहीं है कि आप बचपन में व्यायाम करते थे तो वो बुढ़ापे तक साथ आएगा। आपको रोज़ अपनी सेहत के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और रोज़ नशा और नशे जैसी बीमारियों से, बुराइयों से बचना पड़ेगा। और मुजफ्फर रजमी के इस शेर की तरह, जबर कहते हैं ज़बरदस्ती को या अत्याचार को, ये जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए, अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।